अस्सलामु अलैकुम एवरीवन, दिस इज़ मीरा ना खादिम एंड वेलकम बैक टू अनदर वीडियो। तो गाइज़ कैसे हैं आप लोग, उम्मीद करता हूँ कि आप लोग बढ़िया होंगे, फिट फाट होंगे और मज़े में होंगे। तो नई वीडियो के साथ आपका भाई हाजिर है और आज की वीडियो बहुत ज़्यादा मसाले वाली, धमाके वाली और एकदम हैरान कन होने वाली हो। वो मैंने ऐसा क्यों बोला, तो भाई आप लोगों ने मिक्लेरन वगैरह और इस तरह के कुछ जो कोलैबोरेशन है पबजी वालों की तो देखी होंगी। तो भाई इस बार जो कोलैबोरेशन मैं आपको दिखाने वाला हूँ भाई, आप उसको देख के ना एकदम दंग रहने वाले। जो स्किन्स इस बार हमें स्पोर्ट्स कार की मिलने वाली भाई, वो बहुत ज़्यादा ओपी होने वाली है। तो लेट्स सी, देखते हैं वो कैसी स्किन्स होने वाली है। तो पहले सबसे पहले वीडियो को आगे बढ़ाने से पहले भाई जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब कर देना, वीडियो को लाइक शेयर कर देना और साथ साथ मैं आपको डेट भी बताने वाला हूँ कि ये जो स्किन्स हमें देखने को मिलेगी ये कब देखने को मिलेगी, ये भी मैं आपको बताने वाला हूँ। तो जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब कर देना, वीडियो को लाइक शेयर कर देना। तो चलिए हैं वीडियो की तरफ, सो डोंट वेस्ट एनी टाइम, वीडियो को स्टार्ट करते हैं, लेट्स गो। तो भाई पबजी वाले कर रहे हैं कोनिक्सेग के साथ तो बहुत बड़ा कोलैबोरेशन और हमें देखने वाली वाली स्पोर्ट्स कार की स्किन्स बहुत ही कमाल की, जो कि मक्लेरन वगैरह के मुकाबले में होंगी। तो भाई सबसे पहले हमें देखने को मिलती है कोनिक्सेग जैज़ को रेनबो, उसका थीम चेक करो भाई और इसका एनिमेशन चेक करो, जो इसके डोर्स ओपन हो रहे हैं, पिछले वाला जो स्पॉइलर है वो इसका चेक करो भाई, कितना धमाकेदार लगी यार ये स्किन, मक्लेरन के मुकाबले में कंपेरिजन करती ही नहीं, या आप लोग बेहतर बता सकते हैं। और चलिए आपको बता दें कि ये अपना जो स्पॉन आइलैंड है उस पर भी आप इसको यूज़ कर पाएंगे और मंगवा सकते हैं, और आप जहाज़ से जब उतरते हैं तो तब भी इसे एज अ पैराशूट जैसे आप मक्लेरन का करते हैं वैसे उतर सकते हैं। तो भाई नेक्स्ट जो हमारी निकल के आती है वो वाइट कलर के अंदर निकल के आती है, जिसका नाम है कोनिक्सेग जैज़ को डाउन, और ये भाई ये भी बहुत कमाल की लग रही है। लेकिन आई थिंक रेनबो वाला जो थीम था वो कुछ ज़्यादा बेहतर लग रहा था इसमें, लेकिन भाई इसमें भी कमाल लग रही है, ये नहीं कि इसमें बुरी लग रही, इसमें बहुत ज़्यादा कमाल लग रही है। तो ये रह गई जी हमारी दूसरी स्किन इस व्हीकल की, और ये हमारी गाइस आपको एक और चीज़ बता दूँ कि ये हमारी टू सीटर जो होगी गाड़ी उस पर ही ये स्किन वर्क करेगी। भाई इसके डोर का एनिमेशन चेक करो, कितना कमाल का लग रहा है। नेक्स्ट हमारी निकल के आती है कोनिक्सेग जैज़ को सिल्वर ग्रे, और भाई ये भी चेक करो, ये टोटली ब्लैक कलर रहेगा सिल्वर ग्रे कलर के अंदर। तो भाई इसके थोड़े से यूसी कम हो जाएंगे उससे, क्योंकि ये उनसे तो एक कलर के अंदर रहेगी, और क्योंकि वो भाई एक मिथिक स्किन होने वाली है और ये एक लेजेंडरी स्किन होने वाली है। और ये तीनों जो हैं गाड़ियाँ ये बेसिकली टू सीटर जो स्किन रहेगी उस पर। और जो हमारी नेक्स्ट गाड़ी निकल के आती है वो जो कोनिक्सेग गैमरा रेनबो, और भाई ये जो है ना गाड़ी ये हमारी जो धास के ना उस पर वर्क करेगी, और इस पर आप यानी ये चार बंदे भी बैठ सकते हैं, क्योंकि ये फोर सीटर है। जो पहली थी हमारी तीन स्किन वो टू सीटर थी, और ये हमारी फोर सीटर गाड़ी होने वाली है, और इस पर थीम भी, और भाई चेक करो आई थिंक ये टेस्ला को तो टक्कर बहुत ज़्यादा मज़े की देने वाली है। बैक से चेक करो भाई इसके, क्या कमाल का, और येलो में इसके जो व्हील रखे गए हैं भाई। तो भाई इसके साथ ज़्यादा कोई इन्फॉर्मेशन लिखा नहीं हुआ, साथ में जस्ट इतना ही लिखा हुआ है कि ऑफिशियल कोलैबोरेशन विद कोनिक्सेग। तो भाई आप इससे ज़्यादा मेरे पास डिटेल इसकी नहीं है, जितनी है फिलहाल मैं वो आपसे शेयर कर रहा हूँ। तो नेक्स्ट हमारी व्हीकल है जो वो होने वाली है कोनिक्सेग गैमरा डाउन यानी वाइट के अंदर। तो भाई इसके लिए कुछ आपके जो कार्ड्स वगैरह जो आपको उस वक्त परचेज़ करने के, आपको पता है कि भाई वो जो स्पिन रहती है हमारी लकी स्पिन की वो बहुत ज़्यादा महंगी होती है हर स्पिन के साथ, तो उसमें ये जो इसके लिए कार्ड लगेंगे वो आई थिंक दूसरी व्हीकल से कम होने वाले हैं। हमारी कैमरा डाउन होने वाली है, तो भाई इस भी देख सकते हैं ये भी कमाल की लग रही है, और ये जो व्हीकल है वाइट वाली ये भी हमें फोर सीटर ही देखने को मिलेंगी, यानी इसमें भी आप चार लोग बैठ सकोगे। और लास्ट वाली जो हमारी व्हीकल निकल के आती है वो कोनिक्सेग गैमरा सिल्वर ग्रे, और ये आई थिंक मुझे लगता है कि सबसे ज़्यादा कम कार्ड जो यूज़ होने वाले हैं वो इस व्हीकल के लिए होने वाले हैं। इसमें अंदर जो इसका इंटीरियर है वो येलो में रहेगा, और बाहर से जो सिल्वर ग्रे यानी ब्लैक कलर का यूज़ किया गया।
तो भाई कुल मिला के इस बार जो व्हीकल्स की स्किन है वो बहुत ज़्यादा कमाल की होने वाली है, जो मैक्लारेन वगैरह को, टेस्ला वगैरह को टक्कर देंगे। तो एक इतना ही नहीं गाइस, हमारे कुछ आउटफिट भी देखने को मिलेंगे, जिसमें हमें एक कवर देखने को मिलेगा, स्कारलेट रेगो कवर, और साथ में इसका आउटफिट भी देखने मिलेगा, स्कारलेट रेगो सेट। तो भाई ये एक्चुअली ये इनके साथ ही हमें देखने को मिलेंगे, सो आप पे डिपेंड करता है कि आप गाड़ी के साथ इसको रिडीम करना चाहेंगे इन आउटफिट को। सो आई थिंक मुझे लगा कि कोई भी इसको रिडीम करना चाहेगा, क्योंकि आप लोग सबसे पहले तो यही करेंगे कि भाई अपना जो व्हीकल की स्किन है जो आपको डेफिनेटली पसंद है उसको आप रिडीम करेंगे। नेक्स्ट हमारा निकल के आता है जी पॉलीफोनेटिक कवर, और ये आप देख सकते हैं भाई, और इसके सर पे कुछ हेयर स्टाइल भी येलो के अंदर रहेगा, येलो कलर के अंदर। तो भाई आप देख सकते हैं ये हमारा दूसरा आउटफिट होने वाला है। और लास्ट वाला जो हमारा आउटफिट निकल के आता हुआ जी हमारा बीटा 5 कवर, उसका सबसे पहले आप कवर देख लीजिए, और बीटा 5 कवर इसका नाम रहेगा, और ये कुछ अजीब से कवर बना रखा है। तो भाई पबजी वाले हैं, कुछ भी इस तरह का बना सकते हैं। तो नेक्स्ट हमारा यही इसका सेट निकल के आता है कम्प्लीट, हमारा जो आउटफिट है वह देख सकते हैं यहाँ पे बीटा 5 सेट का। तो ये हमारा लास्ट वाला आउटफिट रहेगा। तो गाइज ये थी आज की कमाल की वीडियो, आई होप कि आप लोगों को वीडियो पसंद आई होगी। और ये पबजी वाले ये जो एक धमाके वाला कोलैबोरेशन करने वाले हैं कोनिग्सेग के साथ, ये भी आप लोगों को अच्छी लगी होगी। तो कौन लोग बेसब्री से इंतज़ार कर रहे हैं इन व्हीकल्स की स्किन का, तो मैं आपको बता दूं कि भाई 1 नवंबर को आपको देखने को मिल जाएगी ये जो लकी स्पिन हमें देखने को मिलेगा, उसके अंदर ये व्हीकल की स्किन हमें देखने को मिलेगा। अलबन 1 से 1.5 महीना पड़ा है इसमें, तो भाई 1 नवंबर के लिए रेडी हो जाए, अपने यूसी वूसी बचा के रखिए, एकदम जमा करके रखिए। और अगर वीडियो अच्छी लगी तो भाई चैनल को सब्सक्राइब कर देना, वीडियो को लाइक शेयर कर देना, और मैं मिलूँगा आपको नेक्स्ट वीडियो में। तब तक अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा, अल्लाह हाफिज़।